सवाल नंबर एक, भारत के राष्ट्रीय गान में जय कितनी बार आता है? 11 बार, 10 बार, 16 बार या फिर 15 बार? सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, 10 बार। सवाल नंबर दो, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन है 220 हड्डियाँ, 210 हड्डियाँ, 206 हड्डियाँ या फिर 302 हड्डियाँ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, 206 हड्डियाँ। सवाल नंबर तीन, फूलों की रानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कनेर, सदाबहार, चमेली या फिर सूरजमुखी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, चमेली। सवाल नंबर चार, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? ऑप्शन है सरदार उधम सिंह, नथुराम गोडसे, मुख्तार अंसारी या फिर शेर सिंह राणा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, नथुराम गोडसे। सवाल नंबर पाँच, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान या फिर इंडोनेशिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, इंडोनेशिया। सवाल नंबर छः, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फिर खो-खो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, हॉकी। सवाल नंबर सात, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? ऑप्शन है असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, केरल। सवाल नंबर आठ, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है अकबर, मोहम्मद गोरी, बाबर या फिर शाहजहां। सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, शाहजहां। सवाल नंबर नौ, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन है मुमताज, महारानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, रजिया सुल्तान। सवाल नंबर दस, फलों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अंगूर, जामुन, इमली या फिर लीची। सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, लीची। सवाल नंबर ग्यारह, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? ऑप्शन है दाल रोटी, खिचड़ी, राजमा चावल या फिर चावल दाल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, खिचड़ी। सवाल नंबर बारह, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है बाज, चील, सारस या फिर मोर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, बाज।
सवाल नंबर 13, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर राजकुमार शुक्ला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, राजकुमार शुक्ला। सवाल नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है? ऑप्शन है चाय, दूध, सोमरस या फिर पानी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, चाय। सवाल नंबर 15, वह कौन सा सांप है जो उड़ सकता है? ऑप्शन है रसेल्स वाइपर, कॉमन करेत, पैराडाइज ट्री स्नेक या फिर एनाकोंडा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पैराडाइज ट्री स्नेक। पैराडाइज ट्री स्नेक प्रजाति के सांप पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा तक उड़ते हुए जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये सांप उड़कर जमीन पर भी उतर जाते हैं। उड़ते समय ये सांप खास तरीके से हिलते हुए हवा में तैरते हैं और अंग्रेजी लेटर एस की तरह आकार बनाते हैं। ये उड़ते हुए 100 मीटर तक दूरी तय कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को अंडुलेशन कहा जाता है। ये पतले वृक्षीय सांप दक्षिण एशिया और इंडोनेशिया द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 16, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन है घोड़े, गधे, हाथी या फिर ऊंट। इस सवाल का जवाब कमेंट में लिखना मत भूलिएगा।